अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रफाकत कियानी और आज मैं उमैर कंप्यूटर्स पर मौजूद हूं और उमैर भाई मेरे साथ हैं। इन्होंने एक गेमिंग पीसी बिल्ड किया है, मैंने सोचा आपके लिए उसकी एक वीडियो बना दूं। तो उमैर भाई ये बताइए कि ये गेमिंग पीसी आपने बिल्ड किया है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई हैं, उनकी प्राइस क्या है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है और मुकम्मल ये टोटल कितने में बिल्ड हुआ है? सही, इसमें एज यू कैन सी दैट ये हमारा एवेंजर का केस लगा है, थंडर एवेंजर, ठीक है, एवेंजर का केस है, 3 RGB फैंस है, एक बैक फैन आप लगा सकते हैं, लगा हुआ है, ठीक है ठीक है। इसमें ये बिल्ट इन आते हैं फैंस, ठीक है। अच्छा, ये केसिंग के साथ ही फैन लगे होते हैं? जी जी, केसिंग के साथ 3 फैंस होते हैं, एक एडिशनल फैन हमने बाहर वापस पीछे लगाया अगर वो एडिशनल ज्यादा कूलिंग और RGB जो भी आप कह सकते हैं इसमें करें। इसमें ये देख रहे हैं आप जो टेम्पर्ड ग्लास है, टेम्पर्ड ग्लास का मतलब ये होता है कि नॉर्मल ये जो वो होती है ठोकरें बर्दाश्त कर लेते हैं, टूटता नहीं है, टूटता नहीं है ईजिली, ये टूटता नहीं है, ठीक है। और इसमें ऊपर भी फैंस हमने ऐड करी हुए हैं, 2 फैंस ऊपर लगाए हुए हैं, 1 फैन नीचे लगाया हुआ है, 3 फैंस इसके केसिंग के साथ आते हैं, ठीक है। इसको थंडर एवेंजर कहते हैं, नॉर्मल इसका केसिंग का नाम है। इसमें जो अब सप्लाई लगाई गई है वो है 550 वाट थंडर की है, मॉड्यूलर है, ठीक है, और ये भी RGB ही है, ठीक है, यार जी जमसी जारी है, इसमें अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो केसिंग की प्राइस है ना, केसिंग की प्राइस है आप ये 11,000 की केसिंग है, ठीक है, और 550 वाट की इसकी जो सप्लाई है वो है 550 वाट और ये आपको मिलेगी 6500 की ब्रांड न्यू सप्लाई है, ठीक है ठीक है। 550 वाट मॉड्यूलर इफेक्ट्स के साथ है, इसमें ये 8.6 पिन आपका आता है और इसमें ये 12 वोल्ट है और सब इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ठीक है, 550 वाट, हाँ 550 वाट मॉड्यूलर सप्लाई थंडर की है, थंडर का केस है, थंडर की सप्लाई है। और इसमें आपके जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं, ये इसमें मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड आपका है R4 जनरेशन का मदरबोर्ड है, जो इसका मॉडल स्पेसिफिक होता है। और इसमें 8 RAM स्लॉट्स होती हैं, जो आपकी USB अगर 8 RAM स्लॉट्स में आपका जो मदरबोर्ड है ना, इसमें USB की स्पीड 170% फास्टर होती है, दैट्स वाई ये रिकमेंडेबल होता है आपकी मोस्ट ऑफ द बिल्ड्स में, तो आपके फेवरेबल आपके काम आता है, जो आपकी नॉर्मल कॉपिंग स्पीड है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए होता है, ठीक है। उसमें आप इसमें मदरबोर्ड के काफ़ी फंक्शन है, आप देख सकते हैं ब्लू कलर आपको यूजुअली हर बंदे को पता हुआ है, वो USB 3.0 है जो ब्लू कलर में आती है, इसमें 2 USB 3.0 है, फिर 3.8 जो USB है वो 2.0 है, ठीक है, इसमें USB भी इनफ है, आगे भी केस की भी है, एक USB है 3.0, 2 USB है 2.0, ठीक है, और हेडफोन जैक और अच्छा ये जो मदरबोर्ड है जी, ये मैक्सिमम कितनी रैम तक ये सपोर्ट करता है? ये आप 8 RAM स्लॉट है तो 8/8 की 6 आप सब में लगा सकते हैं, तो मतलब 8/8 GB की 6 हम लगा सकते हैं, 8 लगा सकते हैं, 8 RAM स्लॉट्स है ना तो 8 लगा सकते हैं आप, ठीक है, ये मैक्सिमाइज एबल है, ठीक है, जिसमें आपके ज़ियोन जाते हैं, मतलब 64 GB तक ये सपोर्ट करता है रैम को, हाँ जी 64 GB तक, जिसमें ज़ियोन जाते हैं बेसिकली, तो उसी के लिहाज से ये 64 GB तक सपोर्ट करता है, सही है, ठीक है। और इसमें जो रैम की स्पीड आती है वो 1600 MHz आती है, जो आपकी बेस्ट मीट करती है प्रोसेसर के साथ और बोर्ड के साथ, ठीक है, जो आपका बोर्ड जो 4th जनरेशन है जो वो एक्सट्रीम लेवल का बोर्ड है, जो ये लगा हुआ है 8 RAM स्लॉट्स वाला, आप एक फीचर मैंने आपको बता दिया। दूसरा इसमें होता है ये इसमें ESP प्रोटेक्शन शील्ड लगी होती है, जो आपके वो शॉर्टेजेस नहीं होने देती, सही है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपने ये फैंस लगाए होते हैं, सर्किट मतलब शॉर्ट नहीं, सर्किट शॉर्ट नहीं होता, फैंस उतर भी सकते हैं, कई बार डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, वो इसमें ये चक्कर नहीं है, बोर्ड और केसिंग इस एनेबल है कि वो नहीं होने देती, ठीक है। और इसमें जो प्रोसेसर है हीट सिंक के ऊपर प्रोसेसर लगा हुआ i7 4790K प्रोसेसर, ठीक है, एक तो नॉर्मल प्रोसेसर आते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेसर तो फ्रीक्वेंसी उनकी कम ही होती है, 3.2 3.3 होती है, जो इसमें जो K प्रोसेसर है 3.4 फ्रीक्वेंसी का, और ये ओवरक्लॉकेबल है 4.4 तक, ठीक है, उसको ओवरक्लॉक करने के लिए आप सारे जानते हैं
या जो नहीं जानते वो ये कर सकते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा कूलिंग ऐड करते हैं और इसको बाय ओर से आप अपग्रेड कर सकते हैं, आप इसको अपडेट कर सकते हैं, इसकी क्लॉक स्पीड बेहतर बना सकते हैं, 4.4 तक आप इसकी क्लॉक स्पीड लेके जा सकते हैं। अब फिर ऊपर एक इसका लगा हुआ हीट सिंक लगा हुआ है, वो इसका जेन्युइन बोर्ड का लगा हुआ है वो। अच्छा, तो ये प्रोसेसर जो है, इस प्रोसेसर की क्या प्राइस है? सिर्फ प्रोसेसर है वो 25,000 का प्रोसेसर, 25,000 का। ब्रांड न्यू या यूज में है ये? यूज में आता है, ठीक है, यूज में। जी 4790K प्रोसेसर, ये ओवर क्लॉकेबल 4.4, ये 25,000 का प्रोसेसर होता है। इसमें जो आपका मदरबोर्ड है विद हीट सिंक वो आपको पड़ता है 23,000 का। 23,000 का आपको 23,000 का हीट सिंक समेत जो है वो मदरबोर्ड पड़ता है, और 25,000 का आपको प्रोसेसर पड़ता है। ठीक है। फिर इसमें ग्राफिक्स कार्ड जो है वो है RX 570 4GB का। ठीक है, ये जो पहले मैंने बताया 574GB है, 4GB वेरियंट जो होते हैं ना वो इन्हीं बिल्ड में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, थर्ड जनरेशन में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, i7 3rd का भी हो वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा, मतलब बेस्ट मीट करते हैं इनमें या इससे फर्दर जो आप कार्ड लगाना चाहें इसमें। ठीक है। ये बेस्ट मीट करते हैं अकॉर्डिंग टू आपके बोर्ड, अकॉर्डिंग टू आपके जो प्रोसेसर है उसके मुताबिक बेस्ट मीट करते हैं, जो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, FPS बेटर देते हैं, जो मोस्ट ऑफ द गेम अभी जो चल रही है पबजी, फोर्टनाइट और CS:GO होती है, और कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर 2 होती है, और फायर क्राई के जो वर्जन्स आते हैं उनमें आपके बेस्ट FPS जो ये बिल्ड है वो देता है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर बड़ा है, मदरबोर्ड बड़ा है, और जो अंडरलाइन जो ग्राफिक कार्ड है GPU जिसको बोलते हैं वो इसके मैच्ड है। ठीक है, इसमें हमने गेम्स भी चला के चेक किए हैं, वो भी हम और ये कार्ड जो आपने लगाया ये ब्रांड न्यू है या यूज में है? ये यूज ग्राफिक्स कार्ड है, ये अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आप नया लगाना चाहते हैं तो आप अपने आप, अगर आपके पास बजट है तो नया लगा सकते हैं। नहीं तो इस ग्राफिक कार्ड की क्या प्राइस है? ये ग्राफिक कार्ड अभी जो चल रहा है ये 21,500 तक इसकी। ठीक है, 21,500 रुपए का। 21,500 का ये ग्राफिक कार्ड चल रहा है। और इसमें जो रैम लगाई हुई है वो कितनी? 16GB है रैम। हाँ जी, रैम इसके 2/6 लगाई हुई है, जो गेमिंग रैम है, गेमिंग हाइपर एक्स की रैम है, 8/8 की दो मॉड्यूल है वो हाइपर एक्स की रैम। वो न्यू लगाई है या यूज में? वो भी यूज में, अगेन आप अपने रिक्वायरमेंट मुताबिक लगा सकते हैं। और ये जो 16GB रैम के यूज में आपने कितने में लगाई है, कितने क्या प्राइस है 16GB? इसमें 8/8 की दो मॉड्यूल लगाए जैसे मैंने बताया आपको, और 8 का जो मॉड्यूल है वो 6500 का मॉड्यूल है। 6500 का मतलब है कि 8GB की है यूज में। जी। और इसमें हार्ड डिस्क कौन सी लगाई है? हार्ड लगाई है इसमें हमने 2 TB की सीरियल की ड्राइव लगाई है। ठीक है, जो डिफरेंस आता है ना जो हार्ड ड्राइव्स में, वो आपको मेंशन करना आपके जहन में होना लाजमी है। सही है, क्योंकि उसमें आता है 5400 RPM और 7200 RPM। ठीक है, आप मस्ट जाएं 7200 RPM पे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो फैचिंग स्पीड ज़्यादा होगी, जितनी फैचिंग स्पीड ज़्यादा होगी उतनी आपकी अल्टीमेटली परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। अच्छा, ये जो हार्ड डिस्क आपने लगाई है साटा वाली, इसकी क्या प्राइस है? तो 2 TB की, 2 TB सीगेट की 6500 प्राइस है, 6500 रुपये। और ये जो SSD लगी है, SSD लगाई है हमने 512GB की, माइक्रोन की SSD है ये लगाई है हमने, जो आपकी ओवरऑल स्पीड मजीद बढ़ा देती है, मतलब बूटिंग स्पीड बढ़ जाती है, बूटिंग स्पीड बढ़ जाती है आपकी, विद इन 10 सेकेंड्स आपके विंडोज में बूट कर जाता है, और ओवरऑल भी परफॉर्मेंस बढ़ा सकती है। सही है, ये जो हार्ड डिस्क आपने SSD लगाई ये ब्रांड न्यू है या यूज में लगाई है? ये भी यूज में लगाई है। और इसके यूज में क्या प्राइस है? ये यूज में प्राइस है 12,500 की। ठीक है, 512GB। जी। अब इसमें एक मिसकंसेप्शन जो जा रही है वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि वो इंटरनेट की स्पीड भी ये कंट्रोल कर रही है, पर इंटरनेट की स्पीड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका सिर्फ ताल्लुक है आपके मदरबोर्ड, आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस से। आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, आप गेमिंग यूज़ कर रहे हैं, गेमिंग में वो कितनी देर में लॉन्च हो रही है वो इसका ताल्लुक वहाँ तक है। जो ऑनलाइन है पबजी का ताल्लुक इंटरनेट से है और कार्ड से है। सही, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन से वो चलती है। अच्छा, ये बताएं कि अभी ये जो सारी चीज़ें मिला के टोटल सिस्टम ये कितने में बिल्ड हुआ है?
टोटल सिस्टम मैंने हर चीज की प्राइस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने सारी चीज़ों की प्राइस बता दी है। ये 150 तक ऑलमोस्ट बन जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, आप नई लगाने यूज लगानी है, बाकी अलग अलग हमें प्राइसेज ऐड कर लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ वो ठंड केस का मैंने बता दिया, GPU का बता दिया, SSD का बता दिया। तो फ्रेंड्स ये जो PC बिल्ड उमर भाई ने किया इसमें कुछ चीज़ें न्यू लगाई है और कुछ जो है वो यूज़ में लगी हैं, सबकी प्राइस हमने आपको बता दी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, या कोई चीज़ की अगर प्राइस आप जानना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं तो इनका नंबर उमर भाई का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।